अरे आप किसके बारे में वो बोल रहे हैं? क्या उनकी कोई, उनके साथ गुस्ताखी कोई कर सकता है? अरे कोई कर रहा है तो उसको जरूर उसकी सजा मिलेगी, उसको जरूर भुगतेगा। ऐसी शख्सियत के ऊपर कोई ये मर्दूद बोल देता है, कोई एक जिसकी कोई हैसियत नहीं बदमाश कुछ बोल देता है, तो हम अगर जज्बाती हो जाए, मैं समझता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कई लोग उनके नाम को बदनाम करने के लिए, नौज़ बिल्ला, उनके बारे में गलत सलत बयानात देते हैं। हम देख रहे हैं, व्हाट्सएप में देख रहे हैं, दूसरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई हकीकत नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, ऐसा आदमी भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करता है। लेकिन हमें समझना यह है कि ऐसे वक्त पर तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सूरज के मानिंद, सूरज के सामने कोई टिक सकता है क्या? कोई दिया दिखा सकता है क्या? उसकी रोशनी कोई कम कर सकता है? बताइए कोई कम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जो आदमी ये कह रहा है, ये किस लिए कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है कि समाज में इंतशार पैदा हो, जो पीसफुल अंदाज से पुरसुकून जो लोग जिंदगियां बसर कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई की तरह जैसा हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस सुकून में खलल डालना चाहते हैं, इसीलिए उनके बारे में गलत सलत बात करते हैं। आप ये सोच लीजिए उनके हयात में उन पर कितने जुल्म ढाए गए होंगे, उनके इज्जत के साथ खेलने की कितनी कोशिश की गई होगी, उस वक्त पर उन्होंने कितने सब्र के साथ उसको सहा होगा। जिसको रहमतुल आलमीन कहा जाता है, सारे आलम के लिए रहमत है, दुनिया के लिए रहमत नहीं, सारे आलम के लिए रहमत है। और कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि आप, कुरान में अल्लाह खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं, हम और आप क्या तारीफ करें, हम और आप क्या जिक्र करें, जब अल्लाह तो हमारे जिक्र नई जिक्र की हमारी कोई हैसियत ही नहीं। तो ऐसे वक्त पर, ऐसी शख्सियत पर जो अल्लाह के सबसे करीबी, सबसे अजीज और इस दुनिया के लिए आखिरी पैगाम लेकर आने वाले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी कुछ भी कहे, हमें सब्र के साथ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो कानूनी कार्रवाई करे, नहीं तो नजरअंदाज करे, दरगुजर करे। उनके नाम पर ये अपनी लीडरी झाड़ना चाहते हैं, उनके नाम पर मैंने देखा जिस आदमी की कोई हैसियत नहीं, कहीं किसी यूपी के किसी एक शहर से उसने एक स्टेटमेंट दिया तो किसी और गांव में उसका नाम लेकर हमें पुतला जला रहे हैं, और जिन गांव में, जिस गांव में उसका नाम मालूम नहीं था, हम उसका नाम मालूम करवा रहे हैं, उसे हम फेमस कर रहे हैं, उसे हम मशहूर कर रहे हैं। और ऐसे गुस्ताख वीडियोस जो है हम शेयर कर रहे हैं हमारे लोग, और हम जज्बाती हो रहे हैं। अरे आप किसके बारे में वो बोल रहा है? क्या उनकी कोई, उनके साथ गुस्ताखी कोई कर सकता है क्या? अरे कोई कर रहा है तो उसको जरूर उसकी सजा मिलेगी, उसको जरूर भुगतेगा। अल्लाह के सबसे महबूब बंदे के बारे में वो कह रहा है, सबसे अजीज बंदे के बारे में वो कह रहा है। और एक बात समझ जाइए कि आज पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हर दिन दरूद सलाम भेज रहे हैं,
मेरे ख्याल से किसी को दुनिया में ये शर्फ हासिल नहीं है, अल्लाह ने दिया। ऐसी शख्सियत के ऊपर कोई ये मर्दूद बोल देता है, कोई एक जिसकी कोई हैसियत नहीं बदमाश कुछ बोल देता है, तो हम अगर जज्बाती हो जाए तो मैं समझता हूं कि हम हमारे हुजूर के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाइंसाफी। वो बहुत बहुत आगे, बहुत ऊंचाई पे, बहुत आला जिनका मकाम है, उनको ये छोटी छोटी चीजों से ना कोई उनके साथ गुस्ताखी कर सकता है, ना कोई हैसियत रखता है कि वो कुछ करे। तो ये चीजों को हमें समझना चाहिए। हर लिहाज से हमें हिंदू मुसलमान को भाई भाई बनाकर रखना चाहिए। ये लोग भंग करना चाहते हैं इस शांति को, इस भाईचारे को, इस मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं। वो मौका हमें नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और किसी भी हालत से हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उनका घर छोड़कर बाहर निकले तो पड़ोस की एक औरत ने मुझे, मैं जहां तक सुना हूं, बुजुर्ग कचरा फेंक दिया मुझे, उन्होंने उस तक नहीं कहा। अगर आपके और मेरे ऊपर कोई कचरा फेंक दे तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, लड़ाई होगी, कोई ताकतवर हो तो मारेंगे, ये देखेंगे भी नहीं कि औरत है कि मर्द है, हम हाथ उठा देंगे। लेकिन उन पर कचरा फेंक दिया, खामोशी से वापस घर गए, किसके ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर। उसके उनके बाद और कोई आने वाला नहीं है, और कोई पैगाम नहीं आएगा, उनके ऊपर वापस गए, सफाई की, दूसरे कपड़े पहने, फिर आए, दूसरे दिन फिर डाल दी, फिर गए, सफाई की, दूसरे कपड़े बदले, आ गए। उस वक्त पर भी उनके चाहने वाले हजारों लाखों, जिनके नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले लोग थे, लेकिन किसी को उन्होंने इजाजत दी कि नहीं दी कि वो औरत को कोई बात। तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे कई दिन गुजर गए, एक दिन औरत आई नहीं बाहर, कचरा डाली नहीं, तो उसके घर गए पूछने के लिए कि क्या तेरी तबीयत तो ठीक है, तूने आज कचरा नहीं फेंका मुझे। अरे ये तो हमारी मिसाल है, हमारे सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हयात जिंदगी हमारे लिए मिसाल है। ऐसे हुजूर के मानने वाले, चाहने वाले, जिनके जरिए हमने ईमान लाया है, हम लोग कैसे होने चाहिए, हमारे किरदार को हमारे अंदर हमें झांक कर देखना चाहिए। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसा आप उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलेंगे और आपकी तिजारत करेंगे, आप देख लीजिए आपका व्यापार, आपकी तिजारत दुगना बढ़ जाएगी, जिंदगी में भी सुकून रहेगा और आखिरत में भी सुकून रहेगा। तो इतना कहते हुए, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज जो हम जिसके लिए जमा हुए हैं, ना मैं कोई आलिम हूं, मैं तो सिर्फ आप और मैं, हम सब एक आम इंसान हैं। उनके बारे में थोड़ा बहुत हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पढ़ा है, समझा है, तो छोटे छोटे मोटे मोटे अल्फाज में मैं आज कह रहा हूं। मैं इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।